हेलो दोस्तों, DPR क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें जो PYQ क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑटोन बिस्मार्क का क्या रोल है यूनिफिकेशन की जर्मनी में, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ऑटोन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्सिया वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन प्रोसेस विच ही कैरिड आउट विद द असिस्टेंस ऑफ द पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ऑटोन बिस्मार्क जो हैं वो पर्सिया के चीफ मिनिस्टर हैं और वो आर्किटेक्ट भी हैं यूनिफिकेशन प्रोसेस की, और वो जर्मनी का यूनिफिकेशन कराने के लिए किसकी किसकी मदद लेते हैं, पर्शियन आर्मी की मदद लेते हैं और ब्यूरोक्रेसी की मदद लेते हैं। थ्री वॉर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस वर वॉन बाय पर्शिया एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी। तो तीन वॉर लड़ता है जर्मनी, किससे किससे लड़ता है, ऑस्ट्रिया से लड़ता है, डेनमार्क से लड़ता है और फ्रांस से लड़ता है। कितने साल तक, 7 साल तक, जिसमें वो तीनों वॉर जो है जीत जाता है। और 1871 इन जनवरी 1871 द पर्सियन विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। और लास्ट में जो सेरेमनी वर्साइल्स में होती है उसमें पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट को जर्मनी का किंग बना दिया जाता है। कब, 1871 में, जनवरी 1871 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 1930s। तो इकोनॉमिक हार्डशिप को आपको एक्सप्लेन करना है जो कि यूरोप में होता है, कब होता है, 1930 में। ये ईयर आपको याद रखने चाहिए सारे ईयर। और ये क्वेश्चन कब कहाँ पूछा गया है, CBSE में आउटसाइड दिल्ली सेट फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन है। देखते हैं आंसर क्या है इसका। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स वर फेस्ड बाय द पीपल ऑफ यूरोप इन 1930s। सम ऑफ द डिफिकल्टीज दैट दे फेस्ड वर। तो 1930 में यूरोप में एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आता है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। द रेशियो ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलेशन वॉज लार्जर देन दैट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पीपुल फ्रॉम रूरल एरियाज वर माइग्रेटिंग टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच वॉज नॉट इजली अवेलेबल बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग। तो 1930s के टाइम पे वहाँ की पॉपुलेशन जो है बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट कम रहता है, इसकी वजह से ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आता है। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स स्पेशली टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज वर ऑफन ओवरथ्रोन बाय द चीप मशीन्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो उनको कौन रिप्लेस कर देता है, जो मशीनरी आती हैं, टेक्नोलॉजीज आती हैं उनके द्वारा उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से दे फेस्ड स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड। उसकी वजह से उनको मशीन से कॉम्पिटिशन लेना पड़ता है जिसको कि वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। पीजेंट्स स्टिल सफर्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस इन सम रीजन्स ऑफ यूरोप। राइज ऑफ गुड प्राइजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म इन द कंट्री। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैड नेपोलियोनिक कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। नेपोलियोनिक कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। पहले देख लेते हैं कि नेपोलियोनिक कोड है क्या, ये क्या चीज़ है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इट डिड अवे with all privileges based on birth, it establishes equality before law, it secured the right to property, abolished feudal
ड्यूज। तो इसके चार पॉइंट आपको ये याद रखने हैं पहले, और आगे का हम लोग देखते हैं। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशियंट। इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। इन द टू टाउन्स गिल्ड रिस इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, पीजेंट्स आर्टिसियंस एंड वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस मैन इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड पार्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इसमें आपको यही बताना चाह रहा है कि नेपोलियन ने मोनार्की हटा दिया था और उसके जगह पे डेमोक्रेसी लाया था, जिसकी वजह से लोग अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे, उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी था, उसने जो करेंसीज थी, जो ज़्यादा करेंसीज थी जो एक्सचेंज होती थी उसको कम कर दिया कि एक ही करेंसी पूरे कंट्री में चलेगी अब, और एक्सचेंज ऑफ गुड, हर सारी चीज़ें आसान हो गई। लेकिन लास्ट में नेपोलियन कुछ चीज़ें ऐसी करता है कि जो लोगों को नहीं अच्छा लगता है। क्या करता है वो, लोगों को जबरी मिलिट्री में भर्ती करवाने लगता है उनके इच्छा के विरुद्ध, तो इसकी वजह से नेपोलियन हार जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब एनी थ्री इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830। कोई तीन पॉइंट आपको लिखने हैं इसमें, यहाँ पे चार दिए हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन एंड प्राइस राइज, स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट बिकॉज ऑफ चीप मशीन्स, बैड कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब एनी थ्री स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। तो कोई तीन ऐसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आपको बताने हैं जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो थे वो अप्लाई करते हैं कंट्री को यूनिफाइड करने के लिए, कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या है। थ्री स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इन 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपुल वर द आइडियाज ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड लॉ सिटोयन द सिटीजन इम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ पैट्री का कॉन्सेप्ट आया, लॉ सिटोयन का कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया, कंट्री को यूनिफाइड बनाने के लिए। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, फ्लैग लाया गया ट्राई कलर। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरेटरी। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जिसको कि आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस में। और अगला पॉइंट देखते हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, जो भी उधार था लोगों के ऊपर उसको हटा दिया जाता है। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशियंट। एनालाइज द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट्स। नेपोलियन ने क्या क्या किया था उन्हीं चीज़ों को आपको बताना है। द सिविल कोड ऑफ 1804, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियनिक कोड और नेपोलियन, ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड, स्प्रेड टू ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड,
इटली और जर्मनी। फ्रांस के साथ साथ इन तीन देशों में भी स्प्रेड होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द नेपोलियनिक कोड डिड अवे विथ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जितने भी राजा महाराजा प्रिविलेजेस को इंजॉय कर रहे थे, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी, प्रिविलेजेस को हटा दिया जाता है और इक्वालिटी इस्टेब्लिश किया जाता है कि सारे लोग एक समान हैं बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, देयर बाई एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम। सामंतवाद व्यवस्था जो थी उसको हटा देता है। ही फ्रीड द पीजेंट्स एंड अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज इन द टाउन्स टू। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस नेटवर्क इम्प्रूव्ड एंड पीजेंट्स आर्टिसियंस वर्कर्स एंड बिजनेसमैन आर इंजॉइंग द फ्रीडम। ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बार बार रिपीट होते दिख रहे हैं इस वीडियोस में, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तब रिपीट हो रहे हैं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आउटसाइड दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ हैड द फीमेल फिगर्स बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। फीमेल फिगर के बारे में आपको बताना है, जैसे इंडिया में भारत माता एक फीमेल फिगर है, जर्मनी में जर्मेनिया एक फीमेल फिगर है, तो उसी के बारे में आपको बताना है। नेशनलिज्म रिक्वायर्ड पर्सोनलाइजिंग अ नेशन। कंट्रीज वर ऑफन पोर्ट्रेट एज फीमेल टू गिव अ शेप टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऑफन कल्चरल आइकन्स सच एज लिबर्टी एंड जस्टिस नीडेड आइकन्स एंड प्रीफरेबली फीमेल फिगर्स टू गेट द मैसेज अक्रॉस। द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। फॉर एग्जाम्पल, अंडर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। लेटर इन फ्रांस मारियाने इमर्ज एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रांस। हर फीचर्स वर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। सी वोर अ रेड कैप विद द ट्राई कलर कोकेड। तो ये चीज़ें हैं, आपको एक बार पढ़ लेना है इसको। बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं बोर्ड में। कुछ पॉइंट्स आप यहाँ से देख लीजिए, जैसे फ्रांस में कौन था, मारियाने, और जर्मनी में कौन था, जर्मेनिया, इंडिया में कौन है, भारत माता। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। एक्सप्लेन, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे डेवलप होता है कल्चर के थ्रू। आंसर देखते हैं, 2015 का क्वेश्चन है, नेशनलिज्म डेवलप्ड थ्रू कल्चर इन यूरोप एज कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एग्जाम्पल। द आइडिया ऑफ नेशन आर्ट एंड पोएट्री स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। आर्ट पोएट्री स्टोरीज के और म्यूजिक के थ्रू नेशन यूनिटी फील किया जाता है, नेशनलिस्ट फीलिंग आती है। रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। सारी चीज़ें आप अभी पढ़े हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। न्यू आयम्स ओथ्स एंड मार्टियर्स वर कॉमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ नेशन। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेड एंड यूनिफॉर्म लॉज फॉर द एंटायर नेशन। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड द
इंडिया, ये तीनों पॉइंट्स आपके गलत हैं, ये इंडिया से रिलेट कर दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार हम आपको डिस्कस कर देते हैं पिछला स्लाइड देख के। द आइडियाज़ ऑफ लॉ पैट्री द फादरलैंड एंड लॉ सिटोएन द सिटीजन इम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कंट्री इंजॉइंग लीगल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज एडॉप्टेड। इसमें से कोई भी थ्री पॉइंट्स आप लिख सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगैन टू सेट अप जैकबिन क्लब्स। जो स्टूडेंट थे और अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो मेंबर्स थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट किया। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, दस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन चीज़ों को आप, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे ज़रूर।